जयराम जी, ये सब क्या रातों रात आ गया? ये सब जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये सब रातों रात आ गया? अचानक हिमाचल के एक नहीं तीन तीन शहरों से? और कांग्रेस के नेताओं से पूछे तो वो कह रहे जी पहले भी था, यही इन्हीं लोगों ने करवाया और अब यही लोग आके सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ आप कांग्रेस को घेरने के लिए कर रहे हैं? जयराम जी, ये देखिए, एक बात तो हमको बिल्कुल साफ तौर पर कहनी चाहिए जी कि इस मसले को थोड़ा उस तरह से भी देखने की आवश्यकता है। एक इंडिविजुअल आदमी, एक आदमी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है, वो एक अलग विषय होता है। इस इलीगल कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के साथ जन भावनाएं जुड़ गई है। लोग कह रहे, लोगों का कहना है कि ये गलत है। गलत कैसे हुआ, कहाँ से बात निकली? कुछ लोगों ने एक जगह कुछ हमला किया, हमला करने के बाद वो जाकर के उस जगह जाकर के छिप गए जी। और छिपने के बाद वहाँ शरण लेने के बाद फिर उसके बाद सारा मामला उठा। अब विक्रमादित्य जी थोड़ा बीच बचाव करके रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उसमें बड़ा साफ से कहना है, कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज्ड है और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होने के साथ साथ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला की ओर से वहाँ पर उसमें फैसला भी दे दिया गया है कि उसकी तीन मंजिलें उसकी तोड़ देनी चाहिए जी। और उसके साथ साथ में जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने भी इस बात के लिए पहले ही लिख करके दे दिया है तीन मंजिलें तोड़नी चाहिए। लेकिन अब वो हाईकोर्ट में चले गए, पहले उन्होंने कहा कि तोड़ेंगे लेकिन अब हाईकोर्ट में जाएंगे। अब मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को लेकर के विक्रमादित्य जी बीच बचाव कहाँ कर रहे हैं? वो तो बहुत क्लियर है ना, इन्होंने बड़ा विक्रमादित्य जी इस बात के लिए तो मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं, अपनी बात बड़ी साफ कही है। लेकिन होता है कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, ऊपर से नीचे से जहां से भी बनती है, लेकिन उसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश होती है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं इसमें कि इन्होंने दम के साथ बात कही कि जो पर्टिकुलरली ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश में आ गए जिनकी पहचान नहीं है, उस स्ट्रीट वेंडर की जो पॉलिसी है उसको लागू करने की, उसको लागू करना पड़ेगा, उसको लागू करना, और वो ऑलरेडी इन प्लेस है और वो लागू करने की।